सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है सेकंड सैटरडे, जिसकी खुशी में मैं डांस कर रही हूँ, क्योंकि आज बच्चे नहीं आएंगे तो हम सारे होंगे टीचर्स। बट आई एम सैड बिकॉज आज अलीमा नहीं आ रही। उसके बावजूद मुझे स्कूल जाना था। मैंने अपना बैग लगाया, कोट निकाला, तैयार हो चुकी हूँ बुर्का पहन के, और मैं पहुंची स्कूल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कोई भी टीचर नहीं आया। फिर मैंने सोचा कुछ वीडियोस बना ली जाए। वीडियो बनाते में सडनली शी केम, और मज़ा आ गया। फिर हमने जो इन्जॉय किया ना, मैं बता नहीं सकती। अभी आपको दिखाती हूँ, उसने फिर दोबारा से करी बढ़िया सी मिमिक्री। बट ड्यू टू सम रीज़न मुझे करनी पड़ेगी आवाज़ म्यूट, क्योंकि इसने जिसकी मिमिक्री की आई थिंक उनको वो पसंद ना आए, और हम नहीं चाहते कि किसी को भी बुरा लगे। तो मैंने उसको क्या है म्यूट, बस आप एक्सप्रेशन नोट करें कि वो कितने मजे करती है। तो अभी भी इसकी मिमिक्री चालू है। सडनली हमें मिली पूरियां, मीठी पूरियां, क्योंकि आज मतलब ये महीना इतना चला तो कोई ना कोई, और ये आ चुकी भिनकटी मतलब मजाक का होता है। तो इशरत ने हम किसी की भी चीज नहीं छोड़ती। यहाँ पे हम सब लेके आए थे फ्रूट्स वगैरह, तो हमने करी अपनी पार्टी। जैसे हम स्कूल में काम करने नहीं आए थे, हम पार्टी करने आए थे। तो हमने फिर चाय भी ऑर्डर कर दी थी, ब्रेड भी ऑर्डर कर दिए थे। उससे पहले हम लंच लेकर आए थे, हमने अपना लंच किया था। जिस दिन बच्चे नहीं आते हम यही काम करते हैं, सिर्फ खाना पीना, हंसना, खेलना, कूदना। क्योंकि जिस दिन बच्चे आते हैं उस दिन तो हमें एक साथ बैठने का मौका भी नहीं मिलता, और वो सभी स्कूल्स में होता है, क्योंकि हमें बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ता है। और ये आ चुका था लजीज, ये कौन लाता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मैंने पहले वाले की बात की, हलीम। और इसके साथ जो ये पालक मेथी लाई थी, रोटी में लगा के लाई थी देसी घी, जो मैं बिल्कुल नहीं खाती। देन हमने स्टार्ट किए फ्रूट्स वगैरह कट करने, और ये मैडम से एक नहीं कट रहा था अमरूद। देखो कितनी मेहनत कर रही है, मशक्कत कर रही है, वो पीछे लगी हुई है फोन में, उसे कोई मतलब ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो फाइनली इन्होंने कट किया एक अमरूद, बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद। अभी भी इनके ड्रामे चल रहे हैं। उधर सैराब मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, वो लगी हुई अपने फ़ोन पे अपनी मम्मी से बात करने में। ठीक है, अब इस सब के बाद हम खा पी के हो चुके हैं टन, मतलब बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। उधर सैराब अपने फ़ोन में, अलीमा मैम अपने फ़ोन में है, अलीशा मैम अभी हमें देख रही हैं, और इधर मैं भी लेट चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद लेटने के बाद हमसे नहीं लेटा गया और ना ही खाली बैठा गया। तो सैराब के दिल में आई कि थोड़ी सी चुल कर ली जाए, तो उन्होंने सॉन्ग सर्च करने स्टार्ट किए डांस करने के लिए। और इन्होंने कहा कि वीडियो नहीं बनाऊंगा, और ऐसा हो नहीं सकता मेरे हाथ में फ़ोन हो और मैं वीडियो ना बनाऊँ। तो देखो प्रॉपर मतलब इन्जॉय करें, इन्हें पता ही नहीं कि इनकी वीडियो में आ रही हूँ, क्योंकि फ़ोन मैंने इस तरह हाइड कर रखा था। और जब ये वाली ब्लॉग देखेंगी तो ये मुझे बहुत चिल्लाने वाली हैं, बट इग्नोर। डांस के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने स्टाफ रूम में, अपने आपस में बातें बनाने, क्योंकि हम कुछ बातें अपनी पर्सनल भी करते हैं। तो वहाँ पे सभी टीचर्स थे, इधर सारे जेंट्स बैठे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो हमें अपनी पर्सनल बातें करनी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे इशरत मैम को चाहिए था कि मैं भी उनको कैमरे में लूँ। सैराब पोज मारती हुई रूम में आ चुके कि मैंने उनको क्यों उस रूम में छोड़ दिया, और हम यहाँ पे बातों में लग गए हैं। तो ये भी पीछे पीछे आ गई हैं, और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी चाय एंड ब्रेड का। सडनली अलिया मैम के अंदर आ गई है आत्मा। अब इन्होंने सडनली देखा कि पीछे जेंट्स स्टाफ भी बैठा हुआ है, तो इनको आई शर्म, जो इनको कभी नहीं आती। जितनी देर से हम वेट कर रहे थे चाय का, पर हमारी चाय आ गई, लेकिन चाय को देखते ही मेरा हो गया मूड खराब, क्योंकि ये चाय नहीं थी अदरक वाली। बिना अदरक वाली चाय मैं बाहर नहीं पीती, बिना अदरक वाली चाय से मैं घर की पी सकती हूँ, बाहर की नहीं। तो अब मैंने अपनी चाय दी थी उनको, और अलिया मैम के अंदर फिर दोबारा हुई चुल। तो अभी अपनी एयरपोर्ट्स ढूंढ रही हैं इतनी सी जेब में, जैसे पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं, हर मायने के बैग की जैसे। हम थक चुके हैं, हम चाय पीकर, मतलब चाय इन सब ने पी, हम इंजॉय कर रहे थे अपना। इधर आ चुकी हैं शाहिन मैम मुझसे लड़ने के लिए, और इनका लड़ना मेरे साथ हमेशा रहता है, आप देख सकते हैं। घर पे आई और आके मैं सो गई थी, और सो के उठी तो मुझे कुछ सरप्राइज मिला, भी दिखाती हूँ क्या बनाया मेरी बहन ने।
आप देख सकते हैं ये बनाए हैं पोटैटो वेजीज। तो सोके उठने के बाद बहुत ही अच्छी चीज़ का पता चला मुझे। तो मुझसे नहीं चुप रहे थे ना, मुझसे टूट नहीं रहा था इतनी देर में, तो मैंने वहाँ पर खाया था कई दिन पहले भी। बहुत ही टेस्टी बने हैं, मज़ा आ गया। तो पोटैटो वेजीज खा के आ गया मज़ा। इधर चल रहा है छोटी बहन का व्लॉग, मतलब फोटोशूट। व्लॉग तो मेरा चल रहा है, तो मैंने सो किया कैप्चर। ये वही फूल लेके बैठी हुई है मैडम, जिन फूल का जिक्र कल वाले व्लॉग में मैंने किया था कि हम कर रहे थे घर के काम में मदद अपनी बहन की, मम्मी की, और ये कर रही थी अपने बंच बनाने की तैयारी। फ्लावर बुके इसने अपने लिए तैयार किया है। तो ये रहा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करें, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ दिखा दिया जाए मेरी बहन का हार्डवर्क। मैंने उससे फ़ोटोशूट में किया, उसको थोड़ी सी हेल्प तो इससे किया स्प्रे, ताकि उसको लगे स्नोफॉल वाली फीलिंग। तो बस ये था, अब आप लोग जा सकते हैं। बाय बाय, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बाय बाय।